हेलो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं इसमें अनुच्छेद, इस आर्टिकल से देखते हैं। आर्टिकल 61 है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, आर्टिकल 161 है जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, आर्टिकल 72 है जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है इसमें, आर्टिकल 52 है जो भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 153 है राज्यों के राज्यपाल, आर्टिकल 63 है भारत का उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 123 है राष्ट्रपति की अध्यादेश का जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 239 बी उपराज्यपाल या प्रशासक के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 74 में है राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 163 में है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 79 में है संसद का गठन, आर्टिकल 168 में है राज्यों के विधानमंडलों का गठन, आर्टिकल 80 में है राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 171 में है विधान परिषदों की संरचना, आर्टिकल 81 में है लोकसभा की संरचना, आर्टिकल 170 में है विधानसभा की संरचना, आर्टिकल 85 में है संसद के सत्र, सत्तावसान और विघटन से संबंधित, आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 165 में है राज्य का महाधिवक्ता, आर्टिकल 169 में राज्यों की विधान परिषदों का सृजन, आर्टिकल 88 में महान न्यायवादी के अधिकार, आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल 110 में धन विधेयक, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र बजट, आर्टिकल 212 में 202 में सॉरी 202 में आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट, आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन, आर्टिकल 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय, आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा होना, आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होना, आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाना राष्ट्रपति द्वारा, आर्टिकल 118 में संयुक्त अधिवेशन बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा करना, आर्टिकल 262 में नदी जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय, आर्टिकल 265 में बिना विधि प्राधिकार के करना लगाया जाना, आर्टिकल 266 में संचित निधि, आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि, आर्टिकल 137 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग, आर्टिकल 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा, आर्टिकल 243 बी में पंचायतों का गठन, आर्टिकल 243 में क्यू 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन, आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति, राष्ट्रहित में राज्यसभा, आर्टिकल 300 ए में संपत्ति का कानून अधिकार, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 315 में संघ राज्य राज्यों के लिए लोक सेवाएं, आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 326 में लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार, आर्टिकल 330 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षण, आर्टिकल 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आर्टिकल 380 में 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग, आर्टिकल 343 में संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, आर्टिकल 350 ए में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 358 में अनुच्छेद 19 का निलंबन, आर्टिकल 359 में सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन, 20
और 21 को छोड़कर। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल, 800 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, आर्टिकल 317 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध या विशेष राज्य का दर्जा, आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन, आर्टिकल 5 में नागरिकता, आर्टिकल 11 में नागरिकता के अधिकार पर संसद की शक्ति, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 15 में धर्म वंश जाति लिंग जन्म पर भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 16 में लोक अभियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति सभा संघ आवागमन निवास व्यापार की स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया जिसमें शिक्षा का अधिकार है, 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया थे। ठीक है, 22वां है गिरफ्तार, आर्टिकल 22 है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार बालाश्रम का पिति निषेध, आर्टिकल 24 में बालाश्रम का पिति से, आर्टिकल 25 में धर्म को निर्वाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 27 में किसी धर्म विशेष से कर ना लिया जाना, आर्टिकल 28 में राज्यों द्वारा किसी धर्म विशेष की शिक्षा ना देना, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थान की स्थापना पर प्रशासन का अधिकार, आर्टिकल 39 ए में समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, या आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता, आर्टिकल 48 में कृषि पशुपालन गोवंशीय पशु की हत्या का निषेध, आर्टिकल 48 ए में पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों का संरक्षण, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, आर्टिकल 51 ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो हमने इस लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लिए, इसे यहीं रोकते हैं।